किताबी कीड़ा के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की किताब भारतीय दर्शन की रूपरेखा की। आजकल पिछले कुछ सालों में भारतीय दर्शन और संस्कृति के प्रति लोगों की भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इस भक्ति में झाग ज़्यादा है और कंटेंट कम है। हमने इसलिए इस किताब को चुना। यह एक बहुत बुनियादी किताब है जिसको प्रोफेसर सिन्हा ने अपने प्रीफेस में भी लिखा है कि यह ग्रेजुएशन में फिलॉसफी ऑनर्स लेने वाले बच्चों को ध्यान में रख के लिखी गई किताब है, ताकि उन्हें कम बहुत संक्षेप में उन्हें भारतीय दर्शन का परिचय प्राप्त हो जाए और यूपीएससी में फिलॉसफी सब्जेक्ट लेके तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बीच में भी, हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स के बीच में भी यह किताब काफ़ी लोकप्रिय है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस किताब में क्या है और क्या नहीं है। प्रोफेसर सिन्हा ने भारतीय दर्शन को चार मोटे हिस्सों में बांटा है, एक वेद और उपनिषद काल, दूसरा महाकाव्य काल जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई और उसी ऐतिहासिक रूप से उसी दौरान जो है जैन और बौद्ध और चार्वाक जैसे दर्शन भी आए, और उसके बाद सूत्र काल जिसमें भारतीय छः जो षड दर्शन कहते हैं कि सांख्य, न्यायिक, वैशेषिक और मीमांसा और योग, इस तरह के जो छः दर्शन हैं उनकी चर्चा, उनके बारे में समझाया है। और उसके बाद चौथा काल उन्होंने माना है कि आधुनिक काल, जो आधुनिक काल मतलब पिछले 200 साल को उन्होंने एक टाइमलाइन जैसा रखा है कि राजा राम मोहन राय और इन लोगों के बाद से अभी तक का है। हालांकि इस किताब में उस काल के जिनको भी उन्होंने दार्शनिक माना है उसकी चर्चा नहीं है इस किताब में। वेदों के दर्शन के बारे में एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, उसके बाद उपनिषद का दर्शन, उपनिषदों में क्या दर्शन है, जो हमारे 10 मुख्य उपनिषद हैं उन सभी के दर्शनों का सार प्रोफेसर सिन्हा ने संक्षेप में समझाया है। उसके बाद गीता का दर्शन क्या है, गीता आप जानते हैं कि महाभारत का एक हिस्सा भी है और इस पर एक थोड़ा सा कुछ विद्वानों के बीच में मतभेद है कि गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ था बाद में महाभारत में जोड़ा गया, या महाभारत का वो हिस्सा है और शुरू से ही उसका हिस्सा रहा है। वेदों के और उपनिषद के दर्शन के बाद उन्होंने गीता का दर्शन, संक्षेप में चार्वाक का दर्शन, और गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, जिसमें सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर जो हैं जैनों के वो महावीर स्वामी हैं, इसको दिया गया है। शुरुआत में ही भारतीय दर्शन का जो चरित्र है, मूल विशेषताएँ समझाते हुए प्रोफेसर सिन्हा ने यह भी समझाया है कि अब भारत में आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है। भारत को लेके और खासतौर पर वेदों को लेके बहस काफ़ी रही कि भारतीय दर्शन जो बहुदेववादी है यानी बहुत सारी देवताओं में यकीन रखता है, या एकेश्वरवादी एक देवता में यकीन रखता है। तो प्रोफेसर सिन्हा ने इस पे भी उसमें चर्चा की है कि हाँ, भारतीय दर्शन को क्या समझा जाए, बहुदेववादी समझा जाए, एकेश्वरवादी समझा जाए। उसके बाद बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन के बाद प्रोफेसर सिन्हा ने गौतम के जो षड दर्शन है, षड दर्शन सभी दर्शन किसी न किसी एक उसके प्रवर्तक ऋषि या प्रवर्तक फिलोसफर आप समझ लीजिए आधुनिक भाषा में, उसके नाम से जाने जाते हैं, जैसे न्याय दर्शन गौतम का, वैशेषिक दर्शन कणाद का, कपिल का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन और जैमिनी की मीमांसा और वादरायण का वेदांत दर्शन। किताब में इन सभी दर्शनों का अलग अलग जो भी उपस्थित, जैसे सांख्य दर्शन की मूल कृति नहीं मिलती, उसकी टीका के आधार पे पता चलता है कि सांख्य दर्शन में क्या रहा होगा, जो कपिल का मूल सांख्य कृति होगी वो नहीं उपलब्ध है आज के डेट में। तो इन सभी दर्शनों के बारे में उन्होंने संक्षेप में बताया है और इन षड दर्शन के बाद सीधे वो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन और रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत दर्शन पे उन्होंने टीका की है, तब खत्म हो जाती है। इसके अलावा कोई आधुनिक जो दार्शनिक कहे जाएँ या विचारक कहे जाएँ उनके बारे में इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। और अगर इससे ज़्यादा आपको जानना है, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और अगर आप ओरिजिनल अंग्रेजी में जैसे पढ़ सकते हैं तो आप जो चर्चित है जो भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, या हिंदी अनुवाद भी है, जैसे राधाकृष्णन के इंडियन फिलॉसफी 2 वॉल्यूम में है, मोटी किताब है और उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। दूसरी एस एन दास गुप्ता की हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी है, 5 वॉल्यूम में है, अगर आप बहुत डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर एम हिरन्ना की किताब है आउटलाइन ऑफ इंडियन फिलॉसफी, उसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहेंगे। एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, आप चाहे जितने भी वीडियो देख लें वो किताबों का विकल्प नहीं बन सकते हैं। तो अगर आपको सचमुच किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आपको किताब ही पढ़नी पड़ेगी, ये छोटी किताब से लेकर और बहुत सी बड़ी बड़ी किताबें। धन्यवाद।